नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में बात उन्नाव की, क्योंकि उन्नाव में जो घटना सामने आई है उसने न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को बल्कि देश में बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि उन्नाव में नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला सामने आया है और जिन परिस्थितियों में ये मौत हुई उस पर बड़े सवाल हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। घटना उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराह गांव की है। चारा लेने के लिए ये लड़कियां खेत में गई थी। दोपहर 3 बजे घर से निकली थी ऐसा परिजनों का कहना है, लेकिन जब शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके बाद खोजबीन शुरू हुई। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर उसे बताया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही कि क्या हुआ आखिर 17 फरवरी को, ये अब ये तीसरी लड़की ही बता सकती है।